कहा जाता है कि जब सात पीढ़ियाँ मर गई तो उनको जिंदा करने के लिए भगीरथ मुनि ने प्रयास किया और फिर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग में जाती हुई जो गंगा है उसको उतारी और अपनी जटा के अंदर, क्योंकि वो पृथ्वी है, उसका भार, पृथ्वी उसका भार सीधा नहीं झेल सकती, इसलिए अपनी जटा के अंदर उतारी और फिर बाद में जब प्रयाण उसको करा दी तब भगीरथ की सात पीढ़ियाँ जीवित हुई। अब मुझे बताओ, डेड बॉडी जब एक दिन ज़्यादा रह नहीं सकती है, दो तीन दिन में तो सड़ जाती है, ये डेड बॉडी इतने सालों तक, सात पीढ़ियों की डेड बॉडी रही कैसे? जब तक भगीरथ मुनि तप करते, कितने सालों तक तो तप किया होगा, तब तक वो डेड बॉडी ऐसे ही रही, उनकी हड्डियां चमड़े, उसमें कोई जीव या कीटाणु आए ही नहीं क्या? आप बोले नहीं चुप, ऐसा नहीं बोलने का, पाप लगता है, गलत है। बात तो एक है कि जब तुम खुद ऋषिवत भाव से आकर भगीरथ प्रयास करोगे, किसके लिए? क्योंकि तुम्हारी सात पीढ़ियां, तुम्हारे सात चक्र मर चुके हैं। मर चुके हैं मतलब उसके अंदर का आध्यात्मिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शरीर के साथ चक्र, उसका आध्यात्मिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उसको जागृत करना है। उसको जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको शब्द रूपी गंगा उतारनी पड़ेगी। और शब्द रूपी गंगा कब प्राप्त होती है? जब जीव में शिव प्रकट होता है। और जीव में शिव रूप प्राण डालने वाले कौन होते हैं? वो गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव तुम्हारे अंदर शब्दाभिषेक करते हैं। जब गुरुदेव तुम्हारे अंदर शब्दाभिषेक करते हैं, तब तुम्हारा सहस्त्रार धड़ 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 फटने लगता है। सहस्त्रार के ऊपर देख दे, अगर तुम महसूस करते जाओ कि इतना गोल गोल चक्र घूमता जाएगा, किसी को जिसको ये सहस्त्रार के ऊपर जब भार आता है तो उसको वो ऐसे घूमने लगता है, उसके सहस्त्रार के ऊपर वाइब्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं उसको कुछ हो रहा है, उसको हो नहीं रहा है, उसका सहस्त्रार शुरू हो चुका है, उसके चक्र खुलने शुरू हो गए। और फिर जब वो चक्र गुरुदेव की अनुकंपा से जब खुलता है, तब वो शब्द रूपी गंगा उतरती है और उसके सात चक्र सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक बहना शुरू हो जाता है। और इस तरह सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक शब्द को उतारना पड़ता है, तब जाकर ये शब्द रूप गंगा से तुम्हारे सातों चक्र जाग जाएंगे, तुम जीव में से शिव बन जाओगे। ये इसका बोध है।